किड्स लंच बॉक्स रेसिपी में बनाएंगे सूजी के अप्पे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है, तो चलिए फटाफट से मैं आपको दे देती हूँ इसकी रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मुनमुन की रसोई। आज हम मुनमुन की रसोई में बनाने जा रहे हैं सूजी के अप्पे। तो सूजी के अप्पे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1/3 कप सूजी। जिस कप से हमने सूजी का माप लिया उसी कप से हम दही का भी माप लेंगे, यानी कि 1/3 कप हमने यहाँ पे दही डाली है। 1 पिंच इतना काली मिर्च पाउडर, टेस्ट अनुसार जितना आप खाते हो 1/4 स्पून नमक। मैं यहाँ पे पिंक सॉल्ट का यूज कर रही हूँ, आप जो भी रेगुलर वे में नमक यूज करते हैं आप उसको ले सकते हैं। अदरक और मिर्च का पेस्ट, बच्चों के लिए टिफिन है यानी कि किड्स बॉक्स रेसिपी है, मैं इसमें बस आधा टेबल स्पून ही यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मिर्चा। मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा पानी हम और लेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप पानी लिया है, तो पहले आधा डालेंगे। सारा मेजरमेंट हम एक ही कप से कर रहे हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। गाजर है, शिमला मिर्च है, आपके बच्चे जो खाते हो आप वो डाल सकते हैं यहाँ पे, और थोड़ी सी धनिया। मिक्स कर देंगे इसको। अप्पा का घोल गाढ़ा रहता है इसलिए हम गाढ़ा घोल रखेंगे, पतला नहीं करेंगे। अच्छा, इसको अब हम 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए ऐसे ही रख देते हैं। लगा लेते हैं इसमें तड़का। तो तड़का पैन मैंने चढ़ा दिया है। 1 टेबल स्पून हम डालेंगे यहाँ पे मूंगफली का तेल, आप जो भी तेल यूज करते हैं आप वो डाल लीजिएगा। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लगती है ये, तो आप मस्ट भी अपने बच्चों को जरूर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। अलग अलग वैसे भी देना चाहिए। और गाइज, आवाज़ खराब है इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको समझने में तो सॉरी, और कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। 1 पिंच इतना हींग राई, मैंने करी लीव्स ली है 5 से 7 करी लीव्स है, उसको छोटा छोटा कट कर लिया। एक्चुअली बच्चे निकाल देते हैं करी लीव्स, इसलिए मैंने छोटे छोटा सा चॉप किया हुआ है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और ये तड़का हम इसमें डाल देंगे। मिक्स कर देंगे एक बार। थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है तो 1 टेबल स्पून इतना बस पानी डालेंगे हम इसमें। यहाँ पे मेरे पास पिज्जा सीजनिंग पड़ी हुई थी, मैं उसको डाल दे रही हूँ, आपके पास हो तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये फूल गया है। इनो फूड साल्ट ओनली 1/4 स्पून। फटाफट से जेंटली मिक्स करेंगे इसको हम। ये देखिए बस हो गया, अपा मेकर चढ़ा दिया है, मतलब पैन हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। और फटाफट हम 1-1 चम्मच इसमें ऑन कर देंगे। फ्लेम हम हाई टू मीडियम रखेंगे। और इसको हम लीड से कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और 2 मिनट हो चुके हैं, एक एक करके हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए कितने प्यारे और रेड कलर आ गए इसमें, ये देखिए। तो हम सारे अप्पे ऐसे ही पलट लेंगे पहले। चलिए इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं जिससे ये अच्छे से क्रिस्पी नीचे से भी हो जाए। बच्चों के लिए कितना हेल्दी नाश्ता रेडी हो गया। सुबह सुबह आप इसको बना के लीजिए, एक तो ये बहुत फटाफट से बन जाता है, बिल्कुल देर नहीं लगती है। तो मस्ट भी आप अपने बच्चों को ये लंच में जरूर दीजिए, उनको बहुत पसंद आने वाला है। और चलिए इसको कवर कर देते हैं और 2 मिनट इधर से भी कुक होने देंगे। 1 मिनट हो चुका है, कवर को हटा के चेक कर लेते हैं। तो यस, ये देखिए कितने अच्छे से कुक हो गया है, ये देखिए। तो चलिए एक प्लेट में हम इसको फटाफट से निकाल लेते हैं। और इसको मैंने सर्व किया है टमाटो केचप के साथ, आप ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने सर्व किया है ड्राई फ्रूट लड्डू के साथ। इसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।